बिजनौर में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, घंटों टावर पर चढ़कर करता रहा ड्रामा। प्रेमिका की बारात आने से नाराज प्रेमी टावर पर चढ़ गया। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रेमी युवक को उतारा नीचे। आरोपी प्रेमी को पुलिस थाने ले गई। थाना धामपुर के बंदूकचियान इलाके का मामला। बरेली में जिला पंचायत के सदस्यों की खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल। 40 से 50 लाख रुपए में डीलिंग की कही बात। नवाबगंज में सपा के जिला पंचायत सदस्य के घर हुई थी सदस्यों की मीटिंग। रायबरेली के घुरौना गांव में युवक को दबंगों ने दी तालिबानी सजा। गेहूं चोरी के आरोप में युवक को पेट से बांधकर लाठी डंडों से पीटा। बंधक बनाने वाले दो दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना के खिलाफ भारत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया। इस तरह की महामारी न पहले कभी देखी थी न सुनी थी। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, देश ने कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया से हर जरूरी चीजों को लाया गया। ऑक्सीजन दवाई का उत्पादन बढ़ाया। वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा का कवच। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, पोलियो वैक्सीन के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। विदेशों में जब वैक्सीनेशन खत्म हो जाता था तब भारत में शुरू होता था, लेकिन इस बार कोरोना से लड़ने के लिए देश में बनी वैक्सीन काम आई। 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए। पीएम मोदी ने कहा, देश के वैज्ञानिकों पर हमें पूरा भरोसा था और उम्मीद के मुताबिक देश में बनी वैक्सीन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आई। सरकार ने मिशन मोड पर किया काम। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने बताया कि देश में बच्चों को लेकर जताई आशंका के चलते तीसरी लहर से पहले तैयारियां जारी। हमें गरीब बच्चों की भी चिंता। हम 100% वैक्सीनेशन के लिए मिशन मोड पर बढ़ रहे आगे। पीएम मोदी ने देश को बताया कि 7 कंपनियां कर रही वैक्सीन का निर्माण। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी वैक्सीन की उपलब्धता। केंद्र सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर की मदद। आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन निर्माण के लिए सरकार ने दिया फंड। पीएम मोदी ने किया ऐलान, 21 जून से राज्यों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। 75% वैक्सीन की डोज फ्री में राज्यों को केंद्र सरकार कराएगी उपलब्ध। 25% पहले की तरह मिलेंगी। देश के सभी लोगों को 18 प्लस को भी फ्री वैक्सीन का ऐलान। प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ 150 रुपए में उपलब्ध होगी वैक्सीन। पीएम गरीब कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ाई गई। नवंबर तक देश में गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी के मुफ्त वैक्सीनेशन के फैसले की तारीफ। बोले, पीएम ने राज्यों की मुश्किलों का कर दिया समाधान। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार करने पर भी जताया आभार। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी। आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित कई दवाएं की गई बंद। इन्हें सिर्फ बुखार के लिए एंटीपायरेटिक और सर्दी जुकाम के लक्षण के लिए एंटीट्यूसिव ही दी जाएगी। धार्मिक नगरी वाराणसी में नई गाइडलाइन जारी। कल से खुलेगा बाबा विश्वनाथ का मंदिर। बाबा काल भैरव और संकट मोचन मंदिर भक्तों के लिए खुले। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ हो रही पूजा अर्चना। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अब सीएमओ और एसीएमओ भी अटेंड करेंगे ओपीडी। निरीक्षण के दौरान भी 2 घंटे तक करनी होगी मरीजों की देखभाल। भारत में लगातार कम हो रहे कोरोना आंकड़े। 61 दिनों के बाद सबसे कम केस रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में 1,636 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2,427 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,74,399 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में 24 घंटे में वैक्सीन की 13,90,916 डोज लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,27,86,482 हो गया। एक दिन में 15,87,589 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 36,63,34,111 सैंपल टेस्ट। भारत में अब तक 2,89,09,975 पॉजिटिव केस हैं। इनमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 14,01,609 है। 2,71,59,180 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि 3,49,186 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का जबरदस्त असर। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 700 नए मामले।
प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं मिले 100 से ज्यादा केस, दो जिलों में कोई मामला सामने नहीं आया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,860 लोगों ने कोरोना को दी मात, एक दिन में 3,10,000 कोरोना टेस्ट हुए, 15,600 रह गए एक्टिव केस की संख्या। लखनऊ में दो वैक्सीनेशन सेंटरों में पिंक बूथ बनाए गए, डीएम अभिषेक प्रकाश ने अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में बनाए गए ऑल विमेंस वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया। सीबीएसई ने देश भर के स्कूलों के प्रिंसिपल को लिखा खत, 12वीं के इंटरनल असेसमेंट नंबर बोर्ड को भेजने के लिए कहा, बोर्ड ने प्रैक्टिकल के नंबर 28 जून तक सीबीएसई को देने को कहा है। आगरा में कोरोना काल में मॉकड्रिल के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़, ऑक्सीजन बंद करने का ऑडियो हो रहा वायरल, पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन का बताया जा रहा वीडियो। समझो बात, पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, ये मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं। वायरल वीडियो में अस्पताल के संचालक की सफाई, अरिंजय जैन ने एबीपी गंगा के कैमरे पर कहा, वीडियो में ऑक्सीजन की निर्भरता की बात कही, हमने जानबूझकर ऑक्सीजन नहीं हटाई। मसूरी में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने से हड़कंप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, वहीं बूचड़खाने में काम करने वाले एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित, दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बारात रोकी गई। उत्तराखंड में कोरोना के खौफ को देखते हुए 7 दिनों तक और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, 15 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां, डीएम अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति के मुताबिक ले सकेंगे फैसला। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा की हुई शुरुआत, 50% मुसाफिरों के साथ दौड़ी दिल्ली मेट्रो, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बंद की गई थी मेट्रो सेवा, सफर के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के तहत खुले, टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक, सरकारी दफ्तर भी हुए अनलॉक, प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। अनलॉक होने के दौर में गाजियाबाद को भी खोल दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद लोगों ने ली राहत के साथ, बाजार भी खुल गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल बस सेवा शुरू, सीट से अधिक यात्री नहीं कर पाएंगे सफर, बसों में यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, बस स्टैंड पर लगी मुसाफिरों की कतार। बच्चों को वायरल बुखार के लिए बांटी जाएगी मेडिसिन किट, 15 जून से मिलेगी मेडिसिन किट, निगरानी समितियां घर घर बांटेंगी किट, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आज से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी, सभी 75 जिलों में पिंक बूथ में महिलाओं का वैक्सीनेशन, महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए 2-2 बूथ बनाए गए, महिला कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ बनवाया गया, इसमें 45 प्लस महिलाएं और 18 प्लस युवतियों को वैक्सीन लगवाई गई, महिला और युवतियों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। एटा में आधी रात को नेशनल हाईवे 91 पर ट्रैक्टर से लदे ट्रॉले में बेकाबू डीसीएम ने टक्कर मार दी, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, डीसीएम ट्रक और ट्रॉला और ट्रॉले में लदे 9 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना इलाके में अंडे की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटा, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आजमगढ़ के बउआपार गांव में बेकाबू प्राइवेट बस पुलिया की दीवार में जा घुसी, बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग जख्मी, 6 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर, बस में सवार सभी लोग भट्टा मजदूर हैं। पश्चिम बंगाल में ओएसडी के पदों को लेकर राज्यपाल और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सांसद महुआ को दिया जवाब, ट्वीट कर कहा, ओएसडी में मेरा कोई करीबी नहीं, सभी अलग अलग जाति से हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए, बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग राहत बचाव कार्य में जुटा रहा।
पाकिस्तान में सुबह सुबह बड़ा रेल हादसा। सिंध के ढारकी इलाके में दो ट्रेनें आपस में टकरा गयी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गयी जबकि 50 से ज्यादा मुसाफिर घायल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में नहीं रुक रही गोलीबारी की घटनाएं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन पार्टी में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, कम से कम 6 लोग जख्मी। मियामी में इस तरह गोलीबारी का नया मामला सामने आया है। प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल दूसरी बार माता पिता बन गए। मेगन मार्केल ने बेटी को जन्म दिया। ब्रिटेन के ड्यूक प्रिंस हैरी ने अपनी बेटी का नाम क्वीन एलिजाबेथ और अपनी माँ प्रिंसेस डायना के नाम पर लिलीबेट डायना रखा है। चुनाव हारने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का पहला भाषण, बोले हम नॉर्थ कैरोलिना जीतने जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। ब्राजील सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन के आयात प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत बायोटेक कंपनी पहली खेप के तौर पर कोवैक्सीन के करीब 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है। भारत सरकार की ओर से दिग्गज तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा पर लगाने के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर और आभूषणों समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी। घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी, 228 अंकों की बढ़त के साथ 52,328 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 81 पॉइंट्स के उछाल के साथ 15,751 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बाजार में एनर्जी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में हुई खरीदारी। सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी, 7 जून को 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 48,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 493 रुपए के उछाल के साथ 70,660 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। आम आदमी को फिर से झटका। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 95.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.22 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। आयकर विभाग का नया पोर्टल शुरू। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर इस पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दे सकेंगे। साथ ही ये पोर्टल दिए गए विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा है। कर रिफंड की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जा सकेगी। दुनिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने तीसरे दौर में मिली मुश्किल जीत के 12 घंटे बाद फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम से हटने का फैसला किया। फेडरर ने कहा उनके लिए अपने शरीर को देखना काफी अहम है। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। सेरेना को टूर्नामेंट के चौथे राउंड में कजाकिस्तान की एलियना रिबाकिना ने 6-3, 7-5 से दी शिकस्त। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में टॉप पर रिया चक्रवर्ती, कियारा आडवाणी, दिशा पाटनी, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और जैकलीन जैसी टॉप एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे। वहीं डिजायरेबल मेंस 2020 की सूची में पहले स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत। उर्वशी रौतेला एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक किक बॉक्सिंग करते वीडियो शेयर किया है जहां पर वो जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि उनकी आने वाली फिल्म के एक्शन के लिए तैयारी हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सारा अली खान की बचपन की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो अपनी माँ अमृता सिंह के साथ खिलखिलाती नजर आ रही हैं। ये फोटो सैफ अली खान की बहन सबा पटौती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया पर बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर किया है जो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गया है। कियारा का इस वीडियो में अंडर वाटर लुक वाकई शानदार लग रहा है। कियारा जल्द कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 2 में नजर आएंगी। अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी में। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं। शनाया कपूर करण जौहर और शशांक खेतान के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म से डेब्यू करेंगी। इसमें लक्ष्य ललवानी और गुरफतेह पीरजादा भी शनाया के साथ नजर आएंगे। मीरा राजपूत ने सोमवार की शुरुआत वर्कआउट के साथ की और इस दौरान उनके पति शाहिद कपूर और देवर ईशान खट्टर भी शामिल थे।
उनका वर्कआउट ग्लो साफ नजर आ रहा है। सेल्फी में वो बिना मेकअप दिख रही हैं। तीनों ही मस्ती करते तस्वीर में नजर आए। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। उनकी ये फोटो फैंस को काफी पसंद आ रही है। पिक्चर को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में लिखा, हेलो कौन। दिशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक थ्रोबैक इमेज शेयर की है। दिशा ने यह फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की है जिसमें वो समुद्र में डुबकी लगाती दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे खूबसूरत सनसेट भी है। रात भर वीडियो कॉल ऑन करके सोती हैं श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी इन दिनों केप टाउन में है। वो वहाँ शो खतरों का खिलाड़ी की शूटिंग में बिजी हैं। श्वेता ने कहा, रात में हम वीडियो कॉल ऑन करके सोते हैं ताकि जब हम उठें तो एक दूसरे को देख सकें। जब भी हमें मौका मिलता है हम बात करते हैं। मैं अपनी बेटी से हर स्टंट से पहले और बाद में बात करती हूँ ताकि बता सकूँ मुझे कितना डर लगा। एक्टर अली फजल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपनी दूसरी मोहब्बत यानी घोड़े को प्यार से देखते नजर आ रहे हैं। इससे पहले अली ने घोड़े के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बनारसी साड़ी में यामी गौतम का गॉर्जियस लुक सामने आया। यामी लगातार शादी के बाद प्री वेडिंग और फेस्टिविटीज की तस्वीरें शेयर कर रही हैं। उन्होंने शादी के बाद अपना पहला लुक शेयर किया जिसमें लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो बेहद खूबसूरत नजर आईं।